नॉर्मली हम सांस के साथ जो हवा अंदर लेते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन रहता है और शरीर उसी से खुश रहता है, लेकिन जब लंग्स की बीमारी होती है तो ऑक्सीजन की भूख बढ़ जाती है। अब उसे चाहिए 90-100% ऑक्सीजन, पर हवा में तो है 21% और बाकी 78% है नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या करता है कि इसी हवा को लेता है, उसमें से नाइट्रोजन निकाल देता है और 90-95% ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन आप तक पहुंचाता है। कैसे, चलिए देखते हैं। तो ये है कंसंट्रेटर के अंदर लगे हुए कुछ पार्ट्स के डायग्राम। कंप्रेसर आपके रूम से हवा को खींचेगी। ये हवा कई सारे फिल्टर्स के थ्रू गुजरते हुए डस्ट, पॉलेंस वगैरह पीछे छोड़ जाती है। कंप्रेसर में पहुँचते हैं तो ये हवा को वो कंप्रेस करती है, फिर स्विच वाल्व को भेजती है जो डिसाइड करती है कि दोनों सीव बेड्स में से किसको ये कंप्रेस्ड एयर फॉरवर्ड करे। मान लीजिए इसको फॉरवर्ड किया। अब अगर कंप्रेस्ड एयर एक थाली है जिसमें 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है, तो सीव बेड है वो आदमी जो चुन के सिर्फ नाइट्रोजन को ही खाएगा और बाकी प्लेट ऐसे ही छोड़ देगा। सीव बेड्स में करोड़ों जियोलाइट्स होते हैं जो कि लूडो के डाइस की तरह है, जिसका हर तरफ मुंह हो। करोड़ों जियोलाइट्स, हर एक का 6 मुंह। कंप्रेस्ड एयर आते ही पूरा नाइट्रोजन निकल लेता है, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है। प्लेट में बचे ऑक्सीजन को एक टैंक में जमा कर दिया जाता है। फिर जैसे ही आप फ्लो रेगुलेटर वाल्व को खोलते हैं तो ऑक्सीजन बाहर आने लगता है और पेशेंट तक पहुंचता है। अब एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगातार 24 घंटे 7 दिन कैसे काम करता है? जब पहला सीव बेड का पेट भर जाता है, यानी मैक्सिमम एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी रीच करता है, तो स्विच वाल्व बोलती है कि अब आप आराम करें, मैं दूसरे को ड्यूटी पर लगाती हूँ, और कंप्रेस्ड एयर फर्स्ट को भेजना बंद करके सेकेंड सीव बेड को भेजना स्टार्ट करती है। पहला वाला इसी बीच अपना पेट साफ करता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया जाता है, थोड़ा सा ऑक्सीजन फर्स्ट में भेजा जाता है, तो सारा जमा हुआ नाइट्रोजन रिलीज वाल्व के थ्रू मशीन से बाहर फेंक दिया जाता है। बाद में जब सेकेंड वाल्व थक जाता है तो फर्स्ट वाला फिर से काम चालू करता है। तो ऐसे ऑल्टरनेटिवली एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 24/7 काम कर सकता है। प्लस आजकल के महंगे हाई कैपेसिटी कंसंट्रेटर्स में 2 से कई ज़्यादा सीव बेड्स लगे हुए रहते हैं। अब इस कंसंट्रेटर के अंदर क्या है, आइए देखें। मोटर के सहारे बाहर का हवा फिल्टर से होती हुई कंप्रेसर तक पहुंचती है, जहां इसे कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस्ड एयर गर्म होता है, बहुत गर्म होता है, इसलिए हीट एक्सचेंजर इसको ठंडा करती है। सर्ज टैंक अचानक प्रेशर के इधर उधर होने से मशीन को कोई डैमेज ना आए, इसका ख्याल रखती है। कंप्रेस्ड एयर स्विच वाल्व के थ्रू सीव बेड तक पहुँचती है, जहाँ नाइट्रोजन रह जाता है और बचा हुआ ऑक्सीजन आगे बढ़ जाता है और प्रोडक्ट टैंक में डिपॉजिट हो जाता है। फाइनली इन चीज़ों में से एक ही चीज़ आपके हाथ में है, जो है फ्लोमीटर वाल्व। किसी में ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट करते हैं, किसी में हाथ से नॉब घुमाना पड़ता है। एनीवे, इस वाल्व को खोलने पर रेगुलेटर प्रेशर को कंट्रोल करते हुए ऑक्सीजन आउटलेट से बाहर आप तक पहुँचाएगी। उम्मीद है आपको इस वीडियो से मदद मिला हो। अगले वीडियो में देखिए कंसंट्रेटर को कैसे और कब यूज़ किया जाए। तब तक के लिए अलविदा।